मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, शहर विधायक आकाश, शिवसेना जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर और मुखिया विकास अधिकारी नंदकिशोर कलाल ने राजा लाइब्रेरी परिसर एवं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न प्रकार के जरूरी प्रबंधन एवं वॉल पेंटिंग कार्य को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से कलाकार एवं वक्ताओं के आगमन के उपरांत उनके ठहरने और अन्य जरूरी सुविधाओं के प्रबंध के साथ साथ दर्शकों के लिए निर्धारित पूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। मंडल आयुक्त ने कहा कि तिथिवार वक्ता एवं कलाकारों के आगमन के दौरान उनकी सुविधा के दृष्टिकोण से अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण पर है। 2024 में 7 अक्टूबर 2024 को रजा लाइब्रेरी की स्थापना के 250 साल पूरे होंगे और इस उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर 2023 से हम उसके सेलिब्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं और उस उपलक्ष्य में 7, 8 और 9 तीन दिन 7, 8, 9 अक्टूबर को यहाँ पे प्रोग्राम रखे गए हैं और बेसिकली सारे लाइब्रेरी को और रामपुर के कल्चर को फोकस करके रखे हुए हैं क्योंकि लाइब्रेरी एक कल्चरल हेरिटेज है जो संस्कृति को हमारी प्रदर्शित करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी के बारे में भी लोगों को नहीं पता है। हमारा एक उद्देश्य ये भी है ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के पीछे कि लोगों से हम लाइब्रेरी को जोड़ पाएँ और लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक उन लोगों को भी नहीं पता है जो लाइब्रेरी में कार्य करते हैं। हम उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे निकाल रहे हैं, सबकी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में भी उसको लेके आने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। और इसकी एक शुरुआत है कि हम चाहते हैं कि लोगों के जो प्रसिद्ध लोग हैं संस्कृत के माध्यम से, कला के माध्यम से लोगों तक ये जाए, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। 7 तारीख को डॉक्टर कुमार विश्वास से टॉक शो रखा है जिस दिन से पुस्तकालयों की परंपरा के ऊपर बात होगी और 8 तारीख को मुशायरा है और 9 तारीख को रामपुर की जो संस्कृति में समाहित चीज़ें हैं उनका प्रदर्शन है। सारे अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा हम करवा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो शुरुआत है जो 2024 तक चलेगी इस दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइब्रेरी से जोड़ सकें।